ही गाइस, देखो सर, जो वायर एंड केबल है ना, इसका डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है। तो ये होते हैं सर, ये इसमें बहुत सारे आपको केबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको वायर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सर ये होते थोड़े महंगे हैं, ये इंटरनेट के वायर होते हैं बड़े बड़े, अगर आप देखो मशीन्स वगैरह होते हैं या किसी तरीके से, तो ये मतलब केबल वगैरह जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज को लेके जाने के लिए, फाने के लिए, या बहुत सारे उसी तरीके की चीज़ें होती है सर, उसके लिए काम में आया जाता है। और अगर आप देखोगे तो आजकल के डेट में सर, जिस तरीके से देश डेवलप हो रहा है सर, जिस तरीके से देश डेवलप हो रहा है, बड़े बड़े जब बिल्डिंगें बनाई जाती है, तो सर बिल्डिंग में सर नॉर्मल ये नहीं लगाया जाता सर वायर, ये केबल इस्तेमाल किया जाता है सर, ताकि परमानेंट रहे, सेफ रहे और अच्छा रहे सर। तो अगर आप देखो, इंडिया के अंदर सरकार ने पिछले साल 10 लाख करोड़ का पैसा खर्च किया था, और इस बार 11 लाख करोड़ का पैसा खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, 10 से 11 लाख करोड़। तो सर इतने ज़्यादा जो है ब्रिज बनाए जाएंगे, और लगभग देखोगे तो ब्रिज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादातर फैसिलिटी दिया जाएंगे। तो सर ये हर एक चीज़ में एक चीज़ तो कॉमन है जिसको डेवलप करेगा ही करेगा सर, वो है वायर एंड केबल। और कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं सर जो लगभग जो बताया जा रहा है कि भाई उसको खरीदना है, और वो आपको 40% तक का रिटर्न निकाल के देख सकते हैं सर। सर 40% का रिटर्न कम नहीं होता, अच्छा होता। और देख लो, लगभग कुछ दिन पहले की खबर देखने को मिल रही है सर। तो ये वायर एंड केबल वाले जो इंडस्ट्री है सर, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट के हिसाब से क्या मानना है सर, उनका मानना है यहाँ पर कि दिस ग्रोथ हैज़ बिन, यहाँ पर देख सकते हो, ड्राइवन बाय द सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से सर इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिला। क्या क्या फैक्टर्स ऐसे बताया जा रहे हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट के तरफ से जो इम्फेसाइज किया जा रहा है सर, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स आ रही है। जो देखोगे तो सर इस साल भी बजट में लगभग जो हाउसिंग डेवलपमेंट में सरकार ने ध्यान दिया है घर बनाने के लिए, तो सर जब लोग घर बनाएंगे तो सर उसमें ऑफकोर्स वायर चाहिए सर, केबल चाहिए सर, चाहिए कि नहीं चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो सरकार फोकस कर रही है। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करोगे तो सर बिना इलेक्ट्रिसिटी का कैसे, मतलब है कि नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर। यहाँ पर वही बताया जा रहा है, इंक्लूडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखोगे, न्यूक्लियर फैमिली सर आजकल के डेट में है कि नहीं सर, उनके वजह से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक्सपेंडिंग आपको बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल एरिया सर, आजकल देखोगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन हर जगह देखने को मिल रहा, मतलब गाँव गाँव तक सर जो है ये बिजली पहुँच चुका है। हाँ, अगर आप शहर में रहते हो और आपको अच्छी खासी बिजली मिलती है तो ठीक है, लेकिन सर मैंने देखा है कि मतलब मैं जिस जहाँ रहता था सर, वहाँ पर मतलब आजू बाजू दूर दूर तक सर मतलब बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली सर, लोग मतलब बोलेंगे भाई ये क्या चीज़ होती है, लोगों को पता ही नहीं था सर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसका पता ही नहीं था, ऐसा था सर, ऐसा सोचो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो सर पिछले जो है कुछ साल पहले आए, कहने का मतलब है। तो उसके वजह से सर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो हर जगह, मतलब घर में होगा, रेलवे में होगा, है कि नहीं सर, हर जगह होगा। तो इसके वजह से सर केबल एंड वायर एंड केबल वाले कंपनी को सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा सर, ऐसा है। और एक्सपर्ट का मानना है कि भाई देखो, ये जो है मोतीलाल ओसवाल जी के हिसाब से CAGR जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो आपको देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली 10% के हिसाब से, ठीक है, कमिंग ईयर में। लेकिन बताया जा रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड टू सी, यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि लगभग भाई हाई ग्रोथ रेट बताया जा रहा है, 12 से 14% तक आपको बताया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027 में। अभी 10% है सर, लेकिन ये लगभग जो है 14% तक होता हुआ नजर आ जाएगा, ये एक्सपर्ट का मानना है सर। यहाँ पर बहुत सारे सर PLI स्कीम्स वगैरह मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी चीज़ों को पुश किया जा रहा है, तो उसमें सर इसका डिमांड बढ़ेगा। अभी अगर आप देखो कि कुछ कंपनियां सर, जैसे कि बताया जरा RR केबल, KEI, तो सर ये डूबा हुआ कंपनी था, अब चलना स्टार्ट कर दिया। पॉलीकैब, तो ये भी देख लीजिए कितना अच्छा और कितना बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है सर। तो ये सारी कंपनियों ने सर मार्केट को कैप्चर कर रखा है, सारे कंपनियों ने। यहाँ पर बताया जरा पॉलीकैब, ठीक है, KEI एंड RR केबल। सर RR केबल तो अगर आप देखो तो अभी हाल फिलहाल में इसका IPO आया है सर, मतलब कुछ महीने बोल सकते हैं, साल होने वाला होगा करके, ठीक है। तो ये कंपनी अगर आप देख सकते हो कलेक्टिवली होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द मार्केट शेयर अमाउंट, यहाँ पर देख सकते हो, मतलब सर ये 50% मार्केट शेयर सर ये जो है रखते हैं, ये केवल तीन कंपनियाँ, और जो 50% मार्केट शेयर बचा सर वो लोकल कंपनियाँ होल्ड करते हैं, जो और भी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाता है सर, ऐसा है यहाँ पर। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो पॉलीकैब है, KEI है और RR केबल है, इनको खरीदने के लिए बोला जा रहा है, ब्रोकरेज के हिसाब से खरीदने के लिए बोला जा रहा है। एंटीसिपेट दिस, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कंपनी वाली, यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग कैपिटलाइज फेवरेबल इंडस्ट्रियल यहाँ पर ट्रेंड, और बताया जा रहा है कि इनका जो है, बताया जा रहा है अर्निंग ग्रोथ फ्रॉम द फाइनेंशियल, बताया जा रहा है 24 से 26, आने वाले 24 से 26 में विथ ए पोटेंशियल, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अपसाइड बोला जा रहा है मोर देन 40%, मतलब 40% से भी सर ये ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं।
कितना, ये नहीं बोला जा रहा है कि 40% तक आपको रिटर्न निकाल के देगा सर, नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि 40%, ये बोला जा रहा है सर मोर देन 40%, मतलब 40% से ज़्यादा। कुछ ऐसी कंपनियां जो 50% देगा, कुछ ऐसी कंपनियां 60-70% का भी आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है सर। तो ये वायर एंड केबल वाले इंडस्ट्री है सर, जहाँ पर इन्होंने पॉलीकैब को टारगेट दे रखा है 7500 पर शेयर, 40% का रिटर्न निकाल के दे सकता है सर पॉलीकैब। जो KEI है सर, ये बोला जा रहा है कि भाई इसका टारगेट है 5000 रुपीज़ पर शेयर। देखो ये कितना हाई है, लेकिन फिर भी सर इसका टारगेट दिया जा रहा है कि यहाँ से भी 27% जा सकता है। और RR केबल तो सर अभी हाल फिलहाल में आया है, कंपनी का IPO 2200 का टारगेट बताया जा रहा है इसमें, जो 38% का है। फिर भी सोचिए सर, 30-40% का जो टारगेट दिया जा रहा है वो ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो है May 21 को मैंने वीडियो बनाया था 2023 को, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो होती है, तो ज़्यादातर लोग इसी पे पैसे लगाएंगे। और मैंने देख लीजिए KEI इंडस्ट्री कितने में था सर, 2000 रुपये के बाजू में देखने को मिलता था। पार्ट टू आपको बताने की कोशिश किया है कि नहीं, तो फिर आपको आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको बताया सेम, देखा आप लोगों ने इसका प्राइस क्या था। कंपनियां बड़ी बन चुकी है ना, और वो कंपनियां भी छोटी है, तो ज्यादातर लोग इसी पे पैसे लगाएंगे। और मैंने इसका पार्ट टू आपको बताने की कोशिश किया है कि नहीं, तो फिर आपको आने वाले दिन देख लीजिए कौन सा था सर, वी मार्क इंडिया, ये भी वायर एंड केबल के लिए कंपनी काम कर रही थी। ये 44 में था सर, कितने, केवल 44 रुपीज़ में, केवल 44 रुपीज़ में सर, ठीक है। और ये KEI, ये दोनों, तो ये आज देखिए, ये इसका करेंट मार्केट प्राइस देखोगे तो ये 4000 का हो चुका है। तो आज KEI अगर आप देखोगे तो 3800, ये मोटा पैसा लगाने के लिए, मतलब बड़ी कंपनी है तो मोटा पैसा लगाने के लिए। तो जब मैंने बताया था सर 2000 के बाद में था, आज ये 4000 का है, 3800। लेकिन इसका जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने कितना का टारगेट दिया सर, 5000 का टारगेट दिया, 5000 रुपीज़, मतलब आज से भी यहाँ से ये स्टॉक तगड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे, जो मेन चीज़ जहाँ पर हमें फोकस करना था सर, एक मिनट, जो छोटा वाला स्टॉक था सर, ये था वी मार्क इंडिया। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो 90 रुपीज़ का, ना 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 ना, 90 रुपीज़ का नहीं है सर, ये 220 रुपये गया था। अगर आप देखोगे तो सर यहाँ देख सकते हो कितने में गया था, तो सर ये 220 रुपये को टच करके आया है, कितने, 220, मतलब 40 रुपीज़ का स्टॉक जो मैंने आपको बताया था, ये 220 रुपये को टच कर दिया सर, 4-5 गुना पैसा कर दिया। अब उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली है सर, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने ही कंपनी के साथ थोड़ा गलत कर दिया था, इसके वजह से आपको गिरावट देखने को मिली ना। तो ये कंपनी कितना, 220 को टच करके आया है सर, 220 रुपये, मतलब पैसा 4 गुना तो आराम से रखो, और वहाँ पर पैसा 2 गुना आराम से रखो। तो ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जो लगभग मैं आपको जो एडवांस लर्निंग कोर्स दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कि पेड है यहाँ पर, केवल एडवांस नॉलेज, यहाँ पर सर मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर कि फ्यूचर सेक्टर, आने वाले भविष्य में कौन से सेक्टर चल सकते हैं, वहाँ पर ध्यान देना है सर हमें। जैसे अभी पावर वाले, रिन्यूएबल वाले, डिफेंस वाले, रेलवे वाले चल चुके हैं, तो आने वाले दिनों में AI में से कौन से छोटे और पेनी स्टॉक जो है किस टाइप के बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं, मशीन लर्निंग वाले हो जाएंगे सर, सेमीकंडक्टर वाले हो जाएंगे, केबल वाले हो जाएंगे, तो कैसे हम ढूंढें कि अच्छे स्टॉक कौन से हैं सर, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको ढूंढना सिखा दूंगा सब कुछ। इसलिए तो सर मैंने यहाँ पर लिख रखा कि फ्यूचर सेक्टर हो लगभग जो है, देखिए 4 गुना तो हो ही गया था सर, तो छोटे छोटे स्टॉक्स के टाइप में। इसलिए मैंने आपको बोल रखा कि जो लोग केवल सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं वही लोग जो है यहाँ पर मिस कॉल कीजिएगा सर, थोड़े महंगे भी हैं ये कोर्स, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। एकदम एक्सपर्ट की तरह जो है आप यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। बहुत सारी चीज़ें, कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है, किस तरीके से फंडामेंटली अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, जो एक्सपर्ट का ओपिनियन दिखना है कि जो आप चीज़ें खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कहाँ खरीदना है, बेचना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाया जाएगा। नो रिकमेंडेशन, नो एडवाइस, नो टिप्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, केवल एजुकेशन। मतलब 2 महीने के अंदर मैं आपको बोला, मैं एक्सपर्ट की तरह जो है आप खुद ही चीज़ों को ना स्टार्ट कर दोगे सर। एक बार सीख लोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, जीवन भर काम देगा आपका, जीवन भर आपको काम देगा सर ये। फिर कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई देख लो, सुन लो, कर लो सर। चीजें भागने से पहले ही आप खरीद के मोटा प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे देखिए डेट आप देख लीजिए, ठीक है 2023 फरवरी में ये वीडियो बनाया गया था सर, 13 फरवरी को, क्योंकि ये कंपनी ने 2-3 बार स्टॉक स्प्लिट दिया, ठीक है, डिविडेंड पेनी स्टॉक्स आपको बताया जा रहा है। ध्यान से देखो मल्टीबैगर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 1 साल पहले की बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर ये स्टॉक के बारे में देखिए, कंपनी का नाम है ग्रीक वायर, यहाँ पर देख सकते हो लिमिटेड 124 रुपीज़ में आपको देखने को मिला है, केवल एक प्राइस मत देखिए, आप डेट देखिए, क्योंकि सर कंपनी ने कई बार बोनस और स्टॉक स्प्लिट दे रखा है, ठीक है,
तो 24 रुपए 15 पैसे में देखने को मिला। 15 पैसे का भी वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि भाई जो स्टॉक अच्छा होता है पता है उसको 15 पैसे भी नहीं छोड़ते हैं। तो वो चीज़ हो जा, सुना आप लोगों ने मैंने क्या बोला, 15 पैसे का भी वैल्यू याद रखिएगा। तो इसीलिए तो सर मैं आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ। मैंने लिख रखा कि नहीं लिख रखा है सर कि कंपनी का वैल्यू ढूंढने आपको बताऊंगा। कंपनी केवल 100 करोड़ की है, 129 करोड़ की कंपनी, और ये कंपनी आपको 2% से भी ज्यादा डिविडेंड निकाल के देती है। देख लीजिए 2% से भी ज्यादा डिविडेंड निकाल के देती है, और इसका PE 11 है, मतलब कंपनी भी बहुत ज्यादा महंगा बिल्कुल नहीं है, सस्ता था, अपने वैल्यू से कई गुना नीचे मिल रहा था। तभी तो मैंने आपको बताया, पूरी जानकारी मैंने सर इसके बारे में दे रखी है, क्या कंपनी करती है नहीं करती है, क्या ठीक है नहीं है करके पूरी जानकारी सर इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था, पूरी के मतलब पूरी। ठीक है, डेट एक बार और देख लीजिए, प्राइस मत देखिए, डेट एक बार और देख लीजिए, 2023 फरवरी में था सर ये, तो ये आ जाते हैं 2023 फरवरी, मतलब 15 रुपये का था सर। कंपनी ने बोनस दिया, स्टॉक स्प्लिट दिया, ठीक है, तो इस वजह से इसका प्राइस कम हो गया। एक साल पहले का वीडियो था सर, तो 15 रुपये का था। उस हिसाब से अगर आप देख लीजिएगा अभी तो लगभग भाई मतलब 700, मतलब काफ़ी बड़ा रिटर्न निकाल के दे रखा है सर, दे रखा कि नहीं दे रखा, और हाई पे हाई जाता हुआ नज़र आ रहा है सर, देख लीजिए है कि नहीं है। और तब मार्केट कैप कितना था सर, केवल 100 करोड़ का, अभी देख लीजिए 600 करोड़ का मार्केट कैप है, 600 करोड़ का, 586, और सर अभी भी कंपनी का PE 14 है कि नहीं सर। क्यों मैंने आपको बोला था 15 पैसे का भी वैल्यू याद रखेगा, आज समझ में आया आप लोगों को। वायर, ये भी सर एक तरीके से वायर एंड केबल टाइप की कंपनी है सर वहाँ पर। अब आपको समझ में आ रहा कि फ्यूचर में चलने वाले जो सेक्टर है, कंपनी का जो रियल वैल्यू है, ये देख लीजिए रियल वैल्यू है, उसके बारे में सारी चीज़ आपको बताया जा रहा कि कैसे ढूंढे 10 गुना होने वाले स्टॉक, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा है। तो कोर्स थोड़ा महंगा है सर, तो प्लीज़ केवल वही लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा जो सर सीखने में अपने दिलचस्पी रखते हैं, जो लोगों को लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चे को फ्यूचर अच्छा होगा। उसी तरीके से सर जब आप मार्केट में सीखोगे तो सर आपका भी फ्यूचर अच्छा होगा। सीखने में सर पैसा कभी मैं आपको बोलूँगा बचाना नहीं चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ सर, बहुत सारी चीज़ें, केवल मिस कॉल कीजिएगा, केवल मिस कॉल, केवल एडवांस नॉलेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा सर, एडवांस लर्निंग, बेसिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। एक महीने के अंदर आप एक्सपर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर दोगे, सारी चीज़ स्पेशल मैं आपको बताऊँ। कहीं और पर अगर ऐसा कोर्स मिल गया तो सर पैसा वापस, मैं आपको बोला एकदम टन अटन, याद रखो दोबारा फिर ये मौका नहीं मिलेगा सीखने करने का।